नमस्कार दोस्तों, एनएन क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूके ट्रिपल एससी द्वारा जारी किए गए पशुधन प्रसार अधिकारी, रेशम अधिदर्शक, रेशम प्रदर्शक और रेशम निरीक्षक के ऑफिशियल सिलेबस के बारे में। साथ ही इन सभी पदों के लिए हम अपना दूसरा बैच शुरू करने जा रहे हैं, जो कि 21 सितम्बर से होगा। 21 सितम्बर से ये शुरू होगा, तो इन दोनों विषयों पर हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, जैसा आप जानते हैं कि यूके ट्रिपल एससी के द्वारा जो जारी किया गया ये सिलेबस है, ये ऑफिशियल है। और साथ ही मैं आपको जानकारी दे दूं कि हमारा इन सभी पदों के लिए ऑलरेडी 17 अगस्त से बैच चल रहा है, जिसमें ये सभी चीज़ें सिक्वेंसली और चैप्टर वाइज करवाई जा रही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको जानकारी दे दूँ, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स का मैसेज आ रहा था कि नया बैच कब शुरू होगा। तो देखिए, नया बैच जो हमारा शुरू होने वाला है, ये 21 सितंबर से शुरू होगा। दूसरा ये हमारा बैच है इसके लिए, क्योंकि पहला बैच ऑलरेडी फुल हो चुका है। तो दूसरा बैच है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसमें क्या चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो सबसे पहले ये बैच बनाया गया है LEO यानी लाइव स्टॉक डिसेमिनेशन ऑफिसर। दूसरा सिल्क डिपार्टमेंट के लिए जो हमारे पास दो पोस्ट हैं, ये सिल्क स्क्रीनर और सिल्क इंस्पेक्टर की। और तीसरा जो अभ्यर्थी फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की भी तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि फॉरेस्ट इंस्पेक्टर में देखिए 9वीं 10वीं स्तर तक की ही जूलॉजी, बॉटनी, इन्वायरमेंट, एग्रीकल्चर आएगा। और इस बैच में आपको बहुत बेस के साथ साथ ही साथ पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ये सब टॉपिक करवाएंगे, तो आपका फॉरेस्ट इंस्पेक्टर ऑटोमेटिकली टारगेट हो जाएगा। यानी आप LEO और सिल्क डिपार्टमेंट के पेपरों के साथ फॉरेस्ट इंस्पेक्टर भी क्लियर कर लेंगे। अब देखिए, इन बैच में आपको क्या करवाया जाएगा, जो आपका 21 तारीख से जो बैच शुरू हो रहा है, उसमें हम आपको क्या चीज़ें प्रोवाइड कराने वाले हैं। तो देखिए, जूलॉजी आपको करवाई जाएगी पूरा सिलेबस के अनुसार, बॉटनी आपको करवाई जाएगी प्रॉपर जो सिलेबस है उसी के अनुसार, एग्रीकल्चर में आपको एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री जो कि मेन कंपोनेंट है, ये तीन मेन कंपोनेंट है LEO लाइव स्टॉक डिसेमिनेशन ऑफिसर अर्थात जो पशुधन प्रसार अधिकारी है उसके लिए। और साथ ही साथ हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही ये कंपेटेबल है। आप दोनों जो भी, अगर आप इंग्लिश वर्ग के भी हैं तो भी आप इस कोर्स को ले सकते हैं, इसको कर सकते हैं। और ये जो बैच जो शुरू हो रहा है, ये तब तक आपको तैयारी इसमें करवाई जाएगी जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। और जैसा कि आपको जानकारी है कि अगले 2 महीने के अंदर अंदर कैलेंडर भी अपडेट हो जाएगा और डेट भी एग्ज़ाम की डिक्लेयर हो जाएगी। तो अभी आपके पास समय है, आप बैच को ज्वाइन करके अपने लिए तैयारी को आसान कर सकते हैं। अब देखिए, इस बैच में हम क्या आपको तैयारी करवाते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या मिलता है, वीडियो लेक्चर मिलता है टॉपिक वाइज और अकॉर्डिंग टू सिलेबस, मतलब जो पाठ्यक्रम दिया गया है जिस पर अभी हम चर्चा करेंगे इस बैच की इन्फॉर्मेशन के बाद। तो वीडियो लेक्चर मिलेगा आपको टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मिलेगा, अकॉर्डिंग टू सिलेबस मिलेगा, वीडियो भी मिलेगा और PDF भी मिलेगी। और कहाँ मिलेगा इसका बैच बनता है, टेलीग्राम पे। कहाँ बनेगा, टेलीग्राम पे। और साथ ही साथ मंडे से और सैटरडे इसमें आपको क्लास मिलेगी, और सैटरडे को ही आपका 8:30 बजे लाइव टेस्ट भी होगा, जो आपने मंडे से सैटरडे में पढ़ा होगा उसका, जो कि यूट्यूब पे होता है, जो कि आप जानते ही हैं। अब देखिए, इसकी जो फीस है वो कितनी है, तो इसकी फ़ीस रखी गई है 1600 रुपये, जो कि वन टाइम फ़ीस होगी। आपको एक बार जमा करना है, कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस नहीं है। 1600 रुपये फ़ीस जमा करने के बाद आप पूरा आपको कोर्स करवा दिया जाएगा, और तब तक आपको गाइड किया जाएगा जब तक आपका पेपर नहीं हो जाता है। रजिस्ट्रेशन आप कैसे करेंगे, तो आप 8886496477 नंबर पर हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो ये आपका जो संबंधित जानकारी है, ये हमारे जो बैच शुरू होगा, ये 21 सितंबर से जो हमारा सेकंड बैच जो शुरू हो रहा है उसके लिए ये जानकारी है। तो आप जल्द से जल्द खुद को रजिस्टर्ड करके जो है तैयारी को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम बात करते हैं इसका जो पाठ्यक्रम दिया है। साथ ही मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हमने 1 महीने पहले ही अपने चैनल पर वीडियो डाल दिया था, जिसमें हमने ये पूरा सिलेबस पहले ही आपको बता दिया था। तो जिन लोगों को ये वीडियो मिला, जिन्होंने वीडियो देखा और उसके अकॉर्डिंग टू जिन्होंने हमारा 17 अगस्त वाला बैच ज्वाइन किया, तो उनकी जूलॉजी अब आधे से ज़्यादा, मतलब लगभग 75% ख़त्म हो चुकी है, वो भी अकॉर्डिंग टू इसी सिलेबस के, मतलब जो इस सिलेबस में दिया है सेम यही चीज़ उसमें कराई जा रही है। तो अभी भी देखिए, जो बैच सेकंड हमारा शुरू हो रहा है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए, ताकि देखिए, क्योंकि
जिस तरह का वातावरण चल रहा है, जिस तरह की स्थितियां चल रही हैं देश में और राज्य में, उस तरह में अगर आपका एक पेपर भी हो जाता है तो आपको मिस नहीं करना चाहिए, आपको पूरी तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि देखिए, सिलेबस कंप्लीट करके जाएंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है सिलेक्शन पाने की। तो चलिए अब थोड़ा सा इसके सिलेबस पर वार्ता कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहला जो दिया गया है वो है साइटोलॉजी और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। मतलब इसका जो हमारा जूलॉजी का जो पहला जो चैप्टर होता है जिसमें हम सेल बायोलॉजी पढ़ते हैं, वो ये चैप्टर है। वो पूरा चैप्टर इसमें करवाया जाता है आपको बैच के अंदर, पूरा सेल बायोलॉजी, जिसके अंतर्गत आपका सेल स्ट्रक्चर, टाइप ऑफ सेल्स आता है, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक सेल्स आ जाती है, डीएनए आरएनए आ जाता है, जीनोम टाइप आ जाते हैं, जेनेटिक कोड आ जाता है, जीन आ जाता है। तो ये सारा, ये पहला जो टॉपिक है ये पूरे का पूरा आपका सेल बायोलॉजी, जो कोशिका विज्ञान वाला जो टॉपिक है वो है। दूसरा देखिए इसमें टॉपिक क्या है, माइक्रोबायोलॉजी है, मतलब सूक्ष्म जीव विज्ञान है, जिसके अंतर्गत आप क्या पढ़ते हैं, बैक्टीरिया पढ़ते हैं आप, साथ ही साथ आप लाइफ साइकिल ऑफ बैक्टीरिया पढ़ते हैं, वायरसेस के बारे में पढ़ते हैं, प्रियॉन्स के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया फेज के बारे में पढ़ते हैं, साथ ही साथ उनके कुछ टेक्निकल टर्म्स हैं उनको पढ़ते हैं, साथ ही साथ बैक्टीरिया और वायरस से होने वाली डिजीज़ को आप इसके अंतर्गत पढ़ते हैं। तीसरा जो हमारे पास यहाँ पे टॉपिक दिया गया है जो कवर करेंगे हम लोग, तो वो है प्लांट किंगडम, जिसके अंतर्गत हम क्या है, पादप जगत, यानी पादप जगत का पूरा वर्गीकरण देखेंगे, जिसके अंतर्गत हम क्या देखेंगे, सहवाल को देखेंगे, लाइकेन देखेंगे, माइकोराइजा इसमें ऐड नहीं किया है लेकिन वो भी इंपॉर्टेंट है, फंगी को देखेंगे, फंगी मतलब कवक, ब्रायोफाइट्स देखेंगे, टेरिडोफाइट्स देखेंगे, और आपका अनावृत बीजी देखेंगे, आपका आवृत बीजी देखेंगे। तो पूरे का पूरा प्लांट किंगडम हम इसमें करेंगे। इसके बाद एनिमल किंगडम पे आते हैं। तो देखिए, एनिमल किंगडम पर हम पूरा क्लासिफिकेशन देखेंगे, जो पूरा जो जंतु जगत का जो वर्गीकरण है, जिसमें नॉन केड कॉर्डेट्स और कॉर्डेट के अकॉर्डिंग टू इसको बांटा गया है, उनके प्रमुख लक्षण देखेंगे, अलग अलग फाइलम देखेंगे, सब फाइलम्स देखेंगे, तो ये पूरा एनिमल किंगडम के अंदर आ जाएगा। अब हम एनाटॉमी के अंतर्गत चलते हैं। तो देखिए, एनाटॉमी के अंतर्गत हम क्या चीज़ें करेंगे, टिशू और टिशू टाइप, साथ ही साथ एनाटॉमी ऑफ रूट, सूट, लीव्स, सेकेंडरी ग्रोथ और सेकेंडरी, देखिए सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे दी गई है। और तो ये सारे टॉपिक, ये जो सारे टॉपिक है, ये सब के सब टॉपिक आपको वहाँ पर करवाए जाएंगे। अब इसके बाद स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल, मतलब कि जंतुओं की जो आकारिकी है उसको हम करेंगे, जिसके अंतर्गत हम एनिमल टिश्यू, जिसमें उपकला उत्तक होता है, पेशी या उत्तक होता है, आपका तंत्रिका उत्तक होता है, तो ये सब करेंगे। ऑर्गेन सिस्टम हम इसमें करने वाले हैं, साथ ही साथ हम जो एनालिडा हैं, अर्थवॉर्म यानी जो जिसके अंतर्गत केंचुआ आता है, और इंसेक्ट ऑर्थोपोडा के अंदर कॉकरोच, ये सब के सब हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं। एम्फीबियन फ्रॉग के बारे में, मतलब मेंढक के बारे में हम इसके अंतर्गत कवर करेंगे। तो देखिए, ये सारे का सारा सिलेबस हम बैच के अंतर्गत कवर करवा रहे हैं। ऑलरेडी जिन्होंने पहला बैच ज्वाइन किया है वो इसे आधे से ज़्यादा कर चुके हैं, जूलॉजी वाला। अगला देखिए, इसमें मॉर्फोलॉजी है। मॉर्फोलॉजी किसकी है, प्लांट की मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है, शारीरिकी, मतलब प्लांट के हम स्ट्रक्चर को इसमें पढ़ते हैं, जिसके अंतर्गत आप जानते हैं जड़ आता है, तना आता है, पत्तियां आती हैं, और उसका फ्लावर आता है, फ्लावर वाला फ्रूट आता है, बीज आता है, और साथ ही साथ आप फैमिलीज और फ्लोर फ्लोरल डायग्राम इसके अंतर्गत करते हैं, फॉर्मूला हम करते हैं, फैमिली के बारे में हम पढ़ते हैं। तो देखिए, ये आपका मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत आ जाएगा। इसके बाद आपका एनिमल मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत क्या आता है, तो देखिए अर्थवॉर्म यानी एनालिडा जो फाइलम है, साथ ही साथ जो हमारा कॉकरोच वाला पार्ट है, कॉकरोच किसके अंतर्गत आता है, ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। तो ये पूरा का पूरा फाइलम इसके अंतर्गत हमने पढ़ाया है। एटलीस्ट जो 17 तारीख वाला जो बैच है उसमें पूरा क्लासिफिकेशन किया है, मतलब जो जंतु जगत और जो पूरा प्लांट जो किंगडम है सब, मतलब इसमें सब कुछ करवा दिया गया। सब का मतलब है कि एनालिडा हो गया, इकाइनोडर्मेटा हो गया, कॉर्डेट्स हो गए, नॉन कॉर्डेट्स हो गए, पोरीफेरा हो गया, प्रोटोजोआ हो गया, सारे के सारे फाइलम उसमें करवा दिए गए हैं। तो देखिए, अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप जल्द से जल्द बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि ये सारे के सारे टॉपिक आपके बहुत जल्दी से कवर हो जाएं। और आप देख लीजिएगा, जब आप पेपर में बैठेंगे तो यहाँ से आपको 100% क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसके बाद देखिए, रिप्रोडक्शन के अंतर्गत हम प्लांट्स के अंतर्गत पढ़ते हैं, एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये मॉर्फोलॉजी के अंतर्गत ही आ जाएगा। साथ ही आपका लघु बीजाणु हो गया, गुरु बीजाणु हो गया, परागण हो गया, निषेचन हो गया, डेवलपमेंट हो गया, डायकोटिक प्लांट, मोनोकोटिक प्लांट, एम्ब्रियो के बारे में, और सीड एंड फ्रूट्स के बारे में, डॉर्मेंसी के बारे में, पॉलियो एम्ब्रियोनी के बारे में, पार्थेनोकॉर्पी के बारे में, अपोमिक्सिस के बारे में। तो ये सारे के सारे आपको टॉपिक उसमें करा दिए जाएंगे, सारे के सारे ये ऑलरेडी हमारे पास उपलब्ध हैं। इसके बाद ह्यूमन में हम पढ़ेंगे, मतलब मानव में रिप्रोडक्टिव सिस्टम है,
फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, और गैमेटोजेनेसिस हो गया, और बाकी सारी चीज़ें जितनी जितनी फर्टिलाइजेशन आता है, इम्प्लांटेशन आता है, और साथ ही साथ इसमें हम डिजीज़ का भी पढ़ेंगे, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है जिन्हें हम एसटीडी कहते हैं, इनफर्टिलिटी, और ये सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। इसके बाद जो हमारे पास अगला जो टॉपिक है वो है प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं परासरण हो गया, विसरण हो गया, एब्जॉर्प्शन और वाटर हो गया, साथ ही साथ आपका अंतः शोषण हो गया, प्रकाश संश्लेषण हो गया, और मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स, साथ ही साथ C3 C4 प्लांट हो गया, साथ ही साथ आपका केल्विन हेंस चक्र हो गया, और जो आपका ग्लाइकोलाइसिस चक्र हो गया, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत पढ़ते हैं। इसके बाद ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन पढ़ते हैं, ब्रीथिंग पढ़ते हैं, हम प्रोटीन पढ़ेंगे, इसमें विटामिन पढ़ेंगे, सारी की सारी चीज़ें आपकी प्लांट ये ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत आ जाएंगी। बाकी देखिए, ये मैं आपको यहाँ पे सिर्फ आउटलाइनर बता रहा हूँ, ताकि आपको समझ आ जाए कि हम लोग सिलेबस के अंतर्गत बैच में क्या चीज़ें आपको करवाएंगे। इसके बाद देख लीजिए, बायोमोलिक्यूल में हम क्या पढ़ेंगे, तो जितने भी आपके प्राइमरी और सेकेंडरी जो मेटाबॉलिक जो मॉलिक्यूल होते हैं, प्रोटीन हो गया, सैकेराइड्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो गए, और आपकी फैट्स हो गई, वसा हो गई, फैट मतलब वसा हो गई, और सारी जितनी विटामिन्स वाली चीज़ें हैं, साथ ही साथ आपके न्यूट्रिशंस और एंजाइम, इन सब चीज़ों को हम इसमें करने वाले हैं। इसके बाद जेनेटिक एंड बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत हम सारे के सारा हेरिडिटिकल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो पढ़ेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं मेंडल लॉस, और साथ ही साथ इसमें बहुत सी चीज़ें हैं, डाउन सिंड्रोम हो गया, टर्नर सिंड्रोम हो गया, इससे रिलेटेड जितनी भी डिजीज़ हैं, और रिकॉम्बिनेशन ऑफ DNA हो गया, और साथ ही साथ DNA फिंगरप्रिंटिंग हो गई, तो जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जिनसे क्वेश्चन बने हैं, अगर आप प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देखेंगे तो इन सब से आपको क्वेश्चन देखने को मिले होंगे ज़रूर। अब देखिए, इसके बाद हम इकोलॉजी करेंगे, पारिस्थितिकी के अंतर्गत हम पर्यावरण भी करेंगे, पारिस्थितिकी दोनों चीज़ों को हम क्लियर करेंगे, साथ ही साथ जितने भी हमारे पॉल्यूशन होते हैं वो सारे के सारे हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। साथ ही साथ देखिए, अगला इसके अंतर्गत जो दिया गया है वो दिया गया है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, तो इसके अंतर्गत हम नाइट्रोजन चक्र हो गया, कार्बन चक्र हो गया, ऑक्सीजन चक्र हो गया, सल्फर चक्र हो गया, और साथ ही साथ इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ेंगे, जनसंख्या पढ़ेंगे, और साथ ही साथ आपका बायोगैस के बारे में हो गया, और इसके बाद देखिए अगला जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, जैव विविधता के अंतर्गत हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी के स्कोप हो गया, डेफिनेशन हो गया, इसके रीज़न हो गए, कहाँ पे ये पाया जाता है, हॉट स्पॉट कहाँ पे हैं, और IUCN को पढ़ेंगे, रेड डेटा बुक को पढ़ेंगे, साथ ही साथ जो इंडिया में जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो चीज़ें चल रही हैं उनको पढ़ेंगे, और जो इंडिया मतलब इस चीज़ के लिए चला रहा है वो सब के सब हम बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत करने वाले हैं। इसके बाद इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड इशू को आप जानते हैं, हर तरह का पॉल्यूशन हम इसके अंतर्गत पढ़ेंगे पर्यावरण से रिलेटेड, साथ ही साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, और ओजोन क्षरण हो गया, एसिड रेन हो गया, और तरह के पर्यावरण जो इसमें मूवमेंट चला गया, जैसे चिपको आंदोलन है उत्तराखंड में जो चला था गौरा देवी के द्वारा, और बहुत तरह के इसमें हम और भी जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण जो टॉपिक हैं सबको कवर करने वाले हैं। इसके बाद आ जाता है हमारा एग्रीकल्चर वाला पार्ट, तो देखिए एनिमल हस्बेंड्री, जिसके अंतर्गत हम पूरा लाइव स्टॉक पढ़ेंगे, पूरे का पूरा गाय भैंस बकरी सूअर और भेड़ मुर्गी सब के बारे में हम इसमें जानने वाले हैं, कितनी प्रजातियां होती है, कौन किसके लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ से बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसानी से आप नंबर पा सकते हो। इसके बाद एनिमल फूडर एंड हाउसिंग, मतलब एनिमल के लिए कौन सा खाना ज़रूरी होता है, चारे के रूप में क्या प्रयोग होता है, और इनके हाउसिंग मतलब पोल्ट्री फॉर्म जो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो सारी की सारी चीज़ें हम इसके अंतर्गत करने वाले हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट जो हमारा जो टॉपिक है वो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, तो देखिए इसके अंतर्गत हम रिप्रोडक्टिव एंड डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ रूमिनेंट एंड नॉन रूमिनेंट एनिमल्स को पढ़ेंगे, यानी कि जैसे गाय भैंस बकरी इन सब के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे, साथ ही साथ इनका रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गेन्स हैं उनके बारे में कलेक्शन के अंतर्गत
करते हैं। इसके बाद एग्रीकल्चर में हम क्या पढ़ेंगे, तो डेफिनेशन एंड स्कोप ऑफ एग्रीकल्चर, वो बहुत इजी सा टॉपिक है जो कि आपको करवा दिया जाएगा। साथ ही साथ इसमें हम प्रिंसिपल ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन देखेंगे और क्लाइमेट देखेंगे, हम सॉइल प्रिपरेशन देखेंगे, मिट्टी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसमें इरीगेशन पढ़ेंगे, वाटर मैनेजमेंट, ये सब की सब चीज़ें, और साथ ही साथ कुछ महत्वपूर्ण जो हमारे पास क्रॉप्स हैं उनको हम इसके अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। अब देखिए इसके बाद जो हमारा इसमें टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर क्रॉप, जिसके अंतर्गत हम रबी, खरीफ और जायद के अकॉर्डिंग टू उसको क्या कर लेंगे, बांट देंगे, और फिर उसी के अनुसार हम आगे पढ़ेंगे। और उसमें और तरह की भी आपकी फसलें आती हैं, जैसे कैच क्रॉप हो गई, कैश क्रॉप हो गई, कॉमर्शियल क्रॉप हो गई, और अन्य तरह की भी फसलें हैं इसमें, सबको हम इसमें देखने वाले हैं। इसके बाद हम सॉइल पढ़ेंगे, मिट्टी कितने प्रकार की मिट्टी होती है, कहाँ कहाँ पर कौन पाई जाती है, और किस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है, ये सब की सब चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। इसके बाद हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के अंतर्गत हम वेजिटेबल पढ़ेंगे, सब्जियों को पढ़ेंगे, फ्लावर पढ़ेंगे, फ्रूट्स पढ़ेंगे, और वीड एंड जो पेस्ट कंट्रोल है उसके अंतर्गत देखिए जो फ्रूट्स होते हैं, जो क्रॉप होती हैं हमारे पास फसलें, खाद्यान्न फसलें, या फिर जो सब्जियाँ होती हैं उनमें देखिए अलग अलग तरह के जो है आपके खरपतवार और साथ ही साथ उसमें कीट लगते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, कौन से हमें पेस्टिसाइड, कौन से हमें वीड कंट्रोलर यूज करने चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपको इस बैच के अंतर्गत बहुत कॉन्सेप्ट के साथ करवाई जाएगी। तो देखिए अगर आप इतना सिलेबस ये कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि एग्जामिनेशन जब होगा तो आपकी प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा हो जाती है सिलेक्शन पाने की, और बाकी आप जानते हैं जो मेहनत करेगा उसको फल अवश्य मिलता है। तो यदि आप चाहते हैं कि पेपर की अच्छी से तैयारी करें तो आप हमारा बैच ज्वाइन करें, 21 सितंबर से ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन इसके ओपन हो चुके हैं, ऑलरेडी इसमें कुछ रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। तो आप जो नंबर आपको बताया गया है 8864964977, इस पर आप हमें व्हाट्सएप करें और ख़ुद को रजिस्टर्ड कराएं। वन टाइम इसमें फ़ीस रखी गई है 1600 रुपये, जिसमें आपको पूरा कोर्स करा दिया जाएगा, और आप तब तक इस बैच में रहेंगे जब तक कि आपका पेपर नहीं हो जाता है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद, जय उत्तराखंड।